तो देखो यार, TBS का सबसे ज्यादा रिसेंट शो और आई वुड से सबसे ज्यादा इमोशनल शो यानी कि संदीप भैया जो एक हफ्ता पहले ही खत्म हुआ है और TBS फिर से तैयार है अपने नए शो के साथ जिसका नाम होने वाला है हाफ सीए। उसके ट्रेलर को आज ही यूट्यूब के ऊपर रिलीज कर दिया गया है, तो उसको लेके मेरे क्या थॉट्स है और क्या है पहले इम्प्रेशन है और एज अ फैन और एज एन ऑडियंस हम लोग उस शो से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज की इस वीडियो में उसी को डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, हाई एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए रिव्यू एपिसोड में स्वागत है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, इससे पहले और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर इंजीनियरिंग को लेकर या फिर एस्पिरेंट्स जैसे हो गए UPSC को लेकर बहुत सारे ऐसे शोज बन चुके हैं, बट एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा कोर्स है जिसके बारे में आज तक कोई शो नहीं बना है और उस शो को लेकर आ रहा है TBF जिसका नाम है हाफ सीए। और ये शो लिटरली अपने नाम के आगे सीए लगाने की जो जर्नी होती है, जो वो स्ट्रगल होता है, उसको आपके सामने रखने वाला है। और इस शो के अंदर आपको वो जो जर्नी है वो दो पर्सपेक्टिव से दिखाई जाएगी, एक जो कि अपने नाम के आगे सीए लगाना चाहता है और एक ऐसा जिसकी सीए हो नहीं पा रही बट वो सीए के बच्चों को पढ़ा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद सीए नहीं बन पाते बट सीए के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इस शो के अंदर आपको दोनों के दोनों पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलने वाले हैं। इस शो के अंदर आपको एहसास चलना और साथ में गणेंद्र त्रिपाठी देखने को मिलने वाले हैं। और जिस तरीके के शोज, जिस तरीके के इमोशंस जो है वो TBS लेकर आता है, मैं अभी इस बात को लिख के दे सकता हूँ कि ये शो धमाका करने वाला है। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरीके से संदीप भैया वाले शो को बहुत सारी ऑडियंस ने इग्नोर किया है, इसको इग्नोर मत करना। क्योंकि मैं पर्सनली कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे भाई बहन इस तरीके से हैं जो कि सीए बने हैं, लेकिन लिटरली उनको 8-8 साल लग गए हैं। तो मैंने उस स्ट्रगल को अपनी आंखों से देखा है, कोई किस तरीके से मेहनत करते हैं। तो डेफिनेटली ये इस टाइप का शो होने वाला है जिसके बारे में ऑडियंस को पता होना चाहिए। तो अब बात करें शो कब तक देखने को मिलने वाला है, तो ये शो आपको 26 जुलाई को देखने को मिलेगा। इस शो को 5 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं और ये आपको 26 तारीख को Amazon TV के ऐप पे बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि मुझे क्या क्या इस ट्रेलर के अंदर अच्छा लगा। सबसे पहली बात कि जो IIT है या फिर जो डॉक्टरी होती है, जिस तरीके से MBBS होती है या फिर UPSC होती है, उसकी जो जर्नी है, उसके स्ट्रगल है, उसके बारे में लोगों को पता है। बट एक ऐसा प्रोफेशन, एक ऐसा कोर्स यानी कि CA यानी कि कॉमर्स, उसके बारे में लोग समझते हैं कि उसमें इतनी मेहनत नहीं लगती है। लेकिन मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत मेहनत लगती है। अपने नाम के अगर CA लगाने के लिए लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है। तो वो जो जर्नी है, जो वो स्ट्रगल है, उसको ऑडियंस के सामने आना चाहिए। और जिस तरीके से इस शो का ट्रेलर निकल के आया है, मुझे लगता है वो डेफिनेटली ऑडियंस को इस बात को रिकॉग्नाइज करा देगा कि सीए बनना आसान नहीं होता है, उसमें बहुत मेहनत लगती है। इसके साथ में जिस तरीके से आपको इसके अंदर मोमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि किस तरीके से फैमिली का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, बार बार अटेम्प्ट देने का प्रेशर है कि एक बार में नहीं हुआ तो कहाँ से मोटिवेशन आएगी, वो सारी चीजें, वो सारा स्ट्रगल जो है जिस तरीके से आप लोगों के सामने रखा जाएगा, मुझे डेफिनेटली अभी से उस बात की बहुत उम्मीद है कि ऑडियंस को वो पसंद आने वाला है। इसके बाद अगर बात करें जिस तरीके से यहाँ पे कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले, जिस तरीके से उन कैरेक्टर्स को लिखा गया होगा, मुझे लगता है काफी हद तक ऑडियंस जो है उससे रिलेट करने वाली है, क्योंकि आपको कभी भी TBS की राइटिंग जो है निराश नहीं करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ भी उसकी राइटिंग इतने अच्छे से की गई हो कि ऑडियंस को वो निराश ना करे, जिसकी उम्मीद मुझे बहुत कम है कि वो ऑडियंस को निराश करेगी। इसके साथ में अगर बात करें जिस तरीके से आपको इसके अंदर एक डायलॉग सुनने को मिलता है कि UPSC के लिए और IIT के लिए ओल्ड अजयनगर और कोटा है, बट हमारा जो कोर्स है, जो स्ट्रगल है, वो जहाँ से हम बुक उठाते हैं वहीं से शुरू हो जाता है। मतलब ये डायलॉग आपको डेफिनेटली हिट करने वाला और मुझे लगता है काफी अच्छा आपको और भी इस तरीके के डायलॉग सुनने को मिलने वाले हैं। तो इन द एंड देखो, मैं आप लोगों से बस इतना बोलूंगा कि मेरे को ये जो ट्रेलर है वो पसंद आया और मैं डेफिनेटली एक्साइटेड हूँ कि किस तरीके से इतने सारे कमाल के शोज बनाने के बाद, इतने सारे कमाल के कोर्सेज को कवर करने के बाद, अब बारी है सीए वालों की और किस तरीके से उनकी जर्नी जो है वो ऑडियंस के सामने आने वाली है, जिसको जानने के लिए आपको और मेरे को 26 जुलाई तक का वेट करना पड़ेगा, जब आपको ये देखने को मिल जाएगा Amazon TV की ऐप पे। तो ये थे मेरे थॉट्स और मेरा रिव्यू अबाउट द ट्रेलर ऑफ हाफ सीए। अगर आप लोगों ने इसके ट्रेलर को चेक कर लिया है, आपको ये कैसा लगा नीचे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और आपको वीडियो पसंद आई, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है,
इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा अलाइव 33।